नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में चुनाव हो और जाति के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार के चुनाव में अक्सर जातीय समीकरण की चर्चा की जाती है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार के ऐसे दलित नेता के बारे में जो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज उस दलित मुख्यमंत्री का नाम गुमनाम है। हम बात कर रहे हैं भोला पासवान शास्त्री के बारे में। भोला पासवान शास्त्री पहली बार 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ये बात अलग है कि वो सिर्फ 3 महीने ही मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद वो 1969 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भी सिर्फ 13 दिनों के लिए। भोला पासवान शास्त्री 1971 में तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। इस बार वो 7 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। भोला पासवान का जन्म बैरगाछी गांव में हुआ था। उनके गांव के लोग आज भी उनका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। भोला पासवान शास्त्री 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आजकल के दौर में मुख्यमंत्री की कुर्सी दौलत और शोहरत की प्रतीक बन गई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भोला पासवान झोपड़ी में रहते थे और ज़मीन पर सोते थे। उन्होंने सारे सुख सुविधाओं को अपनाने से इनकार कर दिया था। भोला पासवान को याद करते हुए उनके गांव के सागर पासवान बताते हैं, वह इतने ईमानदार थे कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ना तो उन्होंने अपने लिए कुछ किया और ना ही गलत तरीके से गांव का पक्ष लिया। बिहार के अन्य कई पिछड़े इलाकों की तरह भोला पासवान शास्त्री के गांव में भी लोग रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं। गाँव के अधिकांश लोग मजदूरी से ही काम चलाते हैं। भोला पासवान शास्त्री का कोई बेटा या बेटी नहीं थी। उनके परिवार के अन्य लोग आज भी मेहनत मजदूरी करते हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के समय जब नेताओं ने टीवी पर स्टोरी देखी कि भोला पासवान के परिवार भूख से जूझ रहे हैं, तो आर्थिक मदद करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक उनका परिवार कमाने के लिए पूर्णिया जा चुका था। सागर पासवान ने बताया कि तब से लेकर आज तक गाँव में कुछ विशेष काम नहीं हुआ है। हाँ, कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन लोगों के पास रोजगार नहीं है। कमाने के लिए लोग बिहार से बाहर जाते हैं। सागर पासवान के अनुसार अगर भोला पासवान शास्त्री आज के मुख्यमंत्रियों की तरह होते हैं, तो उनके पास भी महल होता। आज भी उनके गांव का हाल बेहाल है। शास्त्री के पैतृक घर के पास में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है भोला पासवान शास्त्री ग्राम। इसके बगल में एक सामुदायिक भवन बना है जो कि उनके सम्मान में धमदाहा से विधायक लेशी सिंह ने बनवाया था। भोला पासवान के पैतृक गांव बैरगाछी में सरकारी स्कूल सामुदायिक भवन के अलावा कुछ भी खास नहीं है। हाँ, यहाँ पर पक्की सड़क और बिजली जरूर है, लेकिन पेट पालने के लिए लोगों को रोजगार की जरूरत है। पिछले चुनाव में यहाँ से जेडीयू की लेसी सिंह को जीत हासिल हुई थी। शास्त्री के गांव में सामुदायिक भवन के पास ही उनका परिवार रहता है। यहाँ एक नल, आसपास कीचड़ और छप्पड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।